तैयारी में उम्मीदवार। नमस्कार, सीएमएन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं गनिका। लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है, हर जगह चुनाव प्रचार किया जा रहा है और जनता को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इसी के चलते अगर बात की जाए यूपी के बुलंदशहर की, तो यहां पर भी उम्मीदवारों ने जीत का सहरा बांधने की तैयारी कर दी है। आपको बता दें कि बसपा लोकसभा प्रत्याशी सतबीर नागर ने सिकंदराबाद और खुर्जा में अपने कार्यालयों का फीता काटकर उद्घाटन किया और जनता से वोटों की अपील की। पेश है बुलंदशहर से हमारे संवाददाता रिजवान अंसारी की ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के पीछे हिसार, चुनाव की बज चुकी है रणबेल, जनता को रिझाने की पूरी कोशिश, जीत का सहरा बांधने की तैयारी में उम्मीदवार। बसपा सुप्रीमो मायावती जिंदाबाद के लगते नारे। अखिलेश यादव जिंदाबाद से गूंजा समारोह स्थल, सरकार पर जमकर हुआ जुबानी प्रहार। गरीबों को 15 लाख रुपए के नाम पर उनको बहकाने का काम किया, व्यापारियों को जीएसटी के नाम पर ठगने का काम किया, और पूरे देश को नोटबंदी करके बदनाम करने का, बेकार करने का काम इस सरकार ने किया। यही नहीं रुका, देश में जितने भी घोटाले हुए, चाहे नरेंद्र मोदी के रूप में, चाहे किसी के रूप में, मुझे आदेश हो रहा सक्षम का कि आप हो किसके। आपने सीबीआई को सीबीआई से लड़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को लड़ा दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया। मौके पर मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़, बलदास सिंह जी, कुमार। अपनी टीवी स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये है बुलंदशहर की, जहां पर सिकंदराबाद और खुर्जा में बसपा प्रत्याशी सतबीर नागर ने अपने कार्यालयों का उद्घाटन किया और जीत की बाजी जीतने के लिए जनता से वोटों की अपील की। जैसे ही लोकसभा चुनावों की तारीख की घोषणा हुई, उसके बाद से ही तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया और चुनाव प्रचार में जुटने को कहा। लोकसभा चुनावों को लेकर जहां बीजेपी कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों ने जीत को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है और लगातार जीत को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, वहीं अगर बात की जाए बसपा की, तो बसपा ने भी लोकसभा चुनावों में जीत का परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े पदाधिकारियों तक को यह कह दिया कि पार्टी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ताकि लोकसभा चुनाव में पार्टी उभर कर सामने आए। बसपा ने खुर्जा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से सतबीर नागर को उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद से ही उसके समर्थकों में खुशी की लहर है और आज बसपा प्रत्याशी ने सिकंदराबाद और खुर्जा में अपने अलग अलग कार्यालयों का जहां फीता काटकर उद्घाटन किया, वहीं समारोह में मौजूद जनता को संबोधित भी किया और तन मन धन से जनता की सेवा करने की बात कही और साथ ही जनता से वोटों की अपील की। वहीं इस मौके पर उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर जुबानी प्रहार किया। क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव में? हाँ, हमारे मुद्दे की जरूरत नहीं है, हमारे तो जो इन लोगों ने गुमराह यहाँ की जनता को किया है, वही जनता इनके सामने मुद्दे रख रही है, वही हमारे रहेंगे। तो आपकी पार्टी के जो गठबंधन है जी, वो किन मुद्दों पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है? देखो, हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी ने पहले भी यहाँ जो भी काम किया, विकास किया, ये जनता अच्छे से जानती है। जब माननीय बहन जी की यहाँ सरकार रही, जब विकास हुआ, और माननीय बहन जी ने कभी भी कोई भी किसी काम की घोषणा पहले नहीं की, पहले काम किया फिर घोषणा की,
ठीक है, उस ऐसी तरीका से यहाँ समाजवादी की माननीय अखिलेश जी की सरकार रही, उन्होंने भी कार्य करे, लेकिन ये जो सरकार अभी चल रही है आप जाकर के क्षेत्र में देखिए, कोई सड़क नहीं बनी है, लेकिन इन्होंने अपने पत्थर लगाने का काम किया, बस काम कुछ नहीं किया। ये हमारी मुद्दा, आपकी जीत का आधार क्या होगा? हमारी जीत का आधार जो हमारे तीनों संगठन हैं, इन संगठन की जो फौज है इकट्ठा होने के, नंबर एक बात यह है, दूसरा ये है कि जो तीनों संगठन बड़े ईमानदारी से और निष्ठा से काम कर रहे हैं, और ये निश्चित जीत होगी हमारी तीनों गठबंधन। अब महेश शर्मा जी की अभी वीडियो भी एक वायरल हुई है जी, जिसमें वो पप्पू की पप्पी कह रहे हैं, भगवान जी को भी अशोभनीय बोल रहे हैं। आपने एक बात सुनी होगी, जब कहावत है, जब गिदड़ा की खैर, गांव की वालों की है, जब गिदड़ा की खैर आती है तो वो गांव की तरफ भगता है, तो अब उसकी खैर आ चुकी है, वो इस तरीके की भाषा बोलना शुरू कर गया, वो ये सीधी सी बात। बहरहाल लोकसभा चुनावों में जीत को लेकर सियासी मेहरे उम्मीदवारों की ओर से चलाई जा रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनावों में जीत का डंका कौन बजाएगा। बुलंदशहर से रिजवान अंसारी की स्पेशल रिपोर्ट। फिलहाल आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CMN News। तब तक के लिए नमस्कार।